नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के निजामाबाद में जिला पंचायत क्षेत्र सेठवल के बहुजन समाज पार्टी के क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अरुण कुमार मिश्रा और लालू के वाहन पर क्षेत्र में प्रचार के समय थाना क्षेत्र निजामाबाद की जमीन कटघर के पास अज्ञात लोगों ने जमकर पथराव किया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। साथ चल रहे सहयोगियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे 112 के लोगों ने प्रत्याशी को लेकर निजामाबाद थाने पहुंचे, जहां प्रत्याशी ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध तहरीर दिया। ज्ञातव्य हो कि अरुण उर्फ लालू मिश्रा थाना क्षेत्र निजामाबाद के गौसपुर गाँव के रहने वाले हैं तथा दत्तात्रेय धाम के पास महर्षि दत्तात्रेय विद्यालय के प्रबंधक हैं। थाने पर मौजूद बसपा प्रत्याशी लालू मिश्रा से पूछने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में मेरी जीत को देखते हुए तथा क्षेत्र में मिले अपार जन समर्थन से घबराकर विपक्षी प्रत्याशी मुझे डराना चाहते हैं, जिससे कि मैं चुनाव मैदान से हट जाऊं। प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह ने कहा कि लिखित तहरीर मिल गई है, जाँच के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अराजक तत्व को चुनाव में बदआमली नहीं फैलाने दी जाएगी। जो बसपा समर्थित प्रत्याशी है, देर रात प्रचार करके वो लौट रहे थे, उसी समय आपके ऊपर हमला हुआ है, क्या रहा है पूरा मामला, किसके ऊपर आपको शक है? हमें देखिए, शक तो हो रहा है कि जो हमारे विरोधी हैं, हमारे एप्लीकेशन देने से पहले वो थाने पे कैसे बैठे थे, एक घंटे पहले से थाने पे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं तो शक तो हो ही रहा है। हमारे पे हमला हो रहा है और उनके जो लोग समर्थित लोग हैं फेसबुक पे डाल रहे हैं कि लालू मिश्रा पे हमला हुआ था और सहानुभूति में लालू मिश्रा के साथ घटना की निंदा करने के लिए प्रमुख जी भी वहाँ थाने पे गए थे, लेकिन वो तो एक घंटे पहले बैठे थे। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसे पता कि हमारी गाड़ी पे हमला होगा और वहाँ वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ये कब घटना हुई, किस तरीके की घटना थी? घटना सर हुई, आपको बता दूं कि मेरा ड्राइवर जो प्रचार वाहन होता है, प्रचार वाहन लेके सुबह का वाक्य है, वो 8-9 बजे प्रचार कर रहा था, तो उसको कुछ लोग गाली गुप्ता दिए, तो मेरे पास फ़ोन किया तो मैं मना कर दिया कि यार हटा दो गाड़ी वहाँ से अगर उनको दिक्कत है। फिर मेरे पास भी फ़ोन आया कि ज़्यादा काबिल बन रहे हैं, ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मैं जवाब कोई नहीं दिया। और उसके बाद में मैं यही बोला कि चलो यार ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिएगा, तो चुनाव है, चुनाव सब लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, हम अपनी बात कहेंगे वो अपनी बात कहें। हमें ये भी कहा जा रहा है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो लोग हमारे ऊपर 45 साल से राज कर रहे हैं, शासन सत्ता में 2-2 बार रहे हैं, सेठवल क्षेत्र का कितना विकास कर लिए हैं? कोई एक गांव सैफई के तर्ज पे है क्या? आप दो एक बार कैबिनेट मंत्री रहे, एक बार आपकी खुद की सरकार रही है, और एक लड़के के पीछे ऐसा क्या हो गया कि पूरी सपा की पूरी पलटन लगी हुई है? पूरे सेठवल में ऐसा क्या है कि सारे लोग लगे हुए हैं, प्रचार करने से मना किया जा रहा है, किसी को बैठाया जा रहा है, किसी को धमकी दी जा रही है, किसी को पैसे से खरीदा जा रहा है, या किसी को ऐसा डरा दिया जाए कि प्रचार ही न करे, पथगाड़ी पे पथराव हो जाए। तो क्या फायरिंग भी हुई है इस घटना? फायरिंग नहीं हुई, असलाह लहराते हुए लोग निकले हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं और हमला करवा रहे हैं? आप जान ही रहे हैं कि चुनाव में कौन लड़ रहा है, कौन बाहुबली है, आप सबको पता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको इंडिकेट कर दिया कि थाने पे मेरे से पहले, एक घंटे पहले, मेरे पे हमला होने से पहले वो कोई व्यक्ति कैसे थाने में बैठा है? नहीं, अभी आपने एक कैबिनेट मंत्री का नाम लिया है, वो कैबिनेट मंत्री कौन है, क्या उनके कोई रिलेटिव वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? उनके बेटे चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, कैबिनेट माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जो हमारे विधायक हैं, आपके भी विधायक हैं, जो सदर के विधायक हैं, उनके बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उन्हीं पे शक आपको हो रहा है? शक नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मेरे से एक घंटे पहले, मेरे पे हमला होने से पहले वो थाने पे कैसे बैठे थे, उन्हें कैसे पता था कि मेरे ऊपर हमला होगा? क्या उनके द्वारा धमकी भी दी गई थी बैठने को आपको? धमकी लोगों द्वारा आई, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने मुझको धमकी दी कि बैठ जाइए, पैसा ले लीजिए, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बहुत लोग बैठे भी हैं, 2-2, 3-3 प्रत्याशी, एक तो महाप्रधान थे वो बैठ गए, डर हो या क्या है, आखिर कोई अगर 1-2 महीना प्रचार कर रहा है तो क्या कारण है, क्यों बैठेगा, वही तो बात होगी ना, वही तो वजह होगी ना। जिला पंचायत क्षेत्र बढ़िया के सपा पर समर्थित प्रत्याशी चंद्रजीत यादव के समर्थन में हुजूम पड़ा। बता दें कि अतरौलिया के क्षेत्र बढ़िया से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बजराम यादव तथा डॉक्टर विधायक संग्राम यादव के आशीर्वाद से चंद्रजीत यादव ने पूरे क्षेत्र का विकास किया है। बताते चलें कि 10 वर्षों से लगातार जिला पंचायत सदस्य रहे चंद्रजीत यादव को एक बार फिर समाजवादी समर्थित प्रत्याशी बनाया गया है और चुनाव प्रचार के दौरान चंद्रजीत यादव को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव प्रचार के दौरान लोगों का हुजूम चंद्रजीत यादव के किए विकास को देखकर उनके साथ हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव तथा
डॉक्टर विधायक संग्राम यादव के आशीर्वाद से हमने अपने क्षेत्र का पूरा विकास किया है। ये बातें चंद्रजीत यादव ने मीडिया से हुई बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि हमारी जो जिला पंचायत की निधि मिलती है वह निधि 20 से 23 लाख रुपए तक एक वर्ष की मिली थी और हमने जनता के बीच में पूरी निधि से कार्य भी किया, चाहे वो थिराई पट्टी या भटपुरवा बसैया रहा हो, कोई भी गांव बचा नहीं है और जो भी गांव बचा होगा वह इस बार चुनाव जीतने के बाद पूरा किया जाएगा। आज सुनाते हैं कि चंद्रजीत यादव ने क्या कुछ कहा। पार्टी ने जिला पंचायत के लिए प्रदर्शित किया है, इसके बारे में समाजवादी पार्टी ने हमें पिछले विगत 10 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हुए हैं और यहाँ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री बलराम यादव जी के आशीर्वाद से, आदरणीय संग्राम यादव विधायक जी के आशीर्वाद से हमने क्षेत्र का भी विकास किया है। हमारी जो जिला पंचायत की हम लोगों को निधि भी मिलती है वह 20 से 23 लाख रुपए तक की एक साल में मिली है। हमने जनता के बीच में चाहे वह खिरई पट्टी हो, चाहे भटपुरवा हो, चाहे बसहिया हो, अगर हम आपसे गांव गिनाएंगे तो कोई गांव बचेगा नहीं कि जिस गांव में हमने थोड़ा थोड़ा काम हर जगह पर किया है। हम समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात काम भी करते हैं और समाजवादी पार्टी के सारे वर्कर भी हमारे लिए जी जान से लगे हुए हैं। जिस गांव में हम जाते हैं जनता का दुलार प्यार हमें खूब मिल भी रहा है, आगे मिलेगा भी और हमें जनता चुनाव जिताएगी भी। चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा क्या रहेगा? जिला पंचायत का चुनाव हम जीतने के बाद क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। जहां जैसा काम होगा, नाली का, सड़क का, दो काम हम लोगों के जिम्मे आता है। जिला पंचायत आबादी के बाहर नाली बनवा सकती है, आबादी के बाहर खरंजा बनवा सकती है। हम अपनी पूरी निधि कहीं इधर उधर नहीं दे करके हम अपने जिला पंचायत क्षेत्र बढ़िया के लिए खर्च करेंगे और बढ़िया क्षेत्र का विकास, संपूर्ण विकास करेंगे। कई वर्षों से आप जिला पंचायत सदस्य हैं, कोई ऐसा चीज़ है जो छूट गया हो, आपने सोचा हो कि इस बार जीतने बात करेंगे? अभी इस तरह से तो नहीं लगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी और माननीय प्रमुख जी के द्वारा हमने जहाँ कहीं कह भी दिया अगर हमारी निधि की कमी पड़ी है तो वहाँ लोहिया गांव से लेकर के जनेश्वर मिश्र गांव करके हम लोग लाखों लाख नहीं, एक एक करोड़ की योजना ला करके संपूर्ण विकास करने का काम किए हैं। अगर कहीं कुछ छूटा भी होगा तो अब की बार हम उसको पूरा करा देंगे, जिसमें छितिवनी भी है वह नंबर एक पर हम कर देंगे। जो भी काम होगा छितिवनी का हम संपूर्ण विकास करा देंगे। इस बार भाजपा भी आगे है, आपके साथ खड़ी हुई है, उनका क्या और आपका क्या मतलब, किस तरह से आप उनके टक्कर देंगे? अब भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार, हम तो उनको इस तरह से जानते भी नहीं थे कि कभी इस क्षेत्र से लड़े, कभी तेजापुर से लड़े, कभी आके बढ़िया से लड़ रहे हैं और हम इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, हमारी कभी मुलाकात भी नहीं उनका, वो किस दल में रहे हैं, इसके पहले कहाँ रहे हैं तो उसका वो जाने, उनके बारे में आप उन्हीं से। कैसे प्रचार कर रहे हैं आप? हमारा चुनाव चिन्ह कलम दवात है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सबके सहयोग से हम आशीर्वाद ले रहे हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है कि फिर हमारा चुनाव चिन्ह कलम दवात पिछली बार भी था और अब की बार भी हमारा चुनाव। आजमगढ़ से खबर है जहां नारी शक्ति संस्थान की संरक्षिका रहे नीलिमा श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर संस्थान के सीताराम स्थित कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया गया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाकर सभी नारी शक्तियों ने दिवंगत AN मेमोरियल स्कूल अराजीबाग की प्रधानाचार्य व संस्था के संरक्षक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। शोक सभा को संबोधित करते हुए सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि वर्तमान में नारी शक्ति संस्थान की संरक्षिका के निधन से हम सभी स्तब्ध हैं। नीलिमा श्रीवास्तव का जीवन आदर्श पाठ है, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेंगी। उन्होंने जीवन पर्यंत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षित करने के लिए सार्थक प्रयास किए, इसलिए इन्हें आजमगढ़ की सरस्वती जैसी विशेष संज्ञा दी गई। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने कहा कि नीलिमा श्रीवास्तव ने सदैव नारी शक्तियों में आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया है, उनका निधन संस्था एवं नारी समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। बताते चले कि 15 अप्रैल को अचानक हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया था। इस मौके पर सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने आमजन से अपील किया कि मास्क ही कोरोना का एकमात्र बचाव है, सावधानी से रहकर ही हम कोरोना से खुद का और अपने परिवार व समाज का बचाव कर सकते हैं। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा सहित नारी शक्ति संस्थान की वरिष्ठ सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। लखनऊ से खबर है जहां लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक विधान परिषद उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सदस्य यशवंत सिंह ने कहा है कि कोरोना की वजह से देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इससे निपटने के लिए देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूती से साथ दे। उन्होंने कहा है कि आज की विषम परिस्थिति में यह किसी दल की नहीं देश की जरूरत है, इसलिए इसे लेकर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।
पुरुष चंद्रशेखर की जयंती के अवसर पर शनिवार को चंद्रशेखर चबूतरा पर उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक विधान परिषद उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सदस्य सोन सिंह ने कहा कि बीमार होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महामारी को निष्प्रभावी करने के लिए जूझ रहे हैं। उनकी संकल्प की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपस में दो गज की दूरी और मास्क जरूरी को स्वतः जरूरी करके हम लोग भी इस महामारी को निष्प्रभावी करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम लोगों को इसी भूमिका की आज देश को सर्वाधिक जरूरत है। यह राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर को वर्तमान में सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि इससे चूका गया तो इसका खामियाजा हम लोगों को निजी तौर पर भी भुगतना होगा और देश को भी। यदि ऐसा होता है तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सम्मान निर्वाचन 2021 में जनपद का मतदान द्वितीय चरण में 19 अप्रैल 2021 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक संपन्न कराया जाना है। उन्होंने बताया कि मतदान को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि नियुक्त सभी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी अपने से संबंधित विकासखंड पर दिनांक 18 अप्रैल 2021 को प्रातः 8 बजे पहुंचना सुनिश्चित करेंगे तथा जो भी कर्मी मतदान ड्यूटी से अनुपस्थित रहेगा उसके विरुद्ध निर्वाचन की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि सभी विभागाध्यक्ष अपने संबंधित विभागीय कर्मियों की 100% उपस्थिति 18 अप्रैल 2021 को संबंधित विकासखंड पर सुनिश्चित कराएंगे, अन्यथा की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सम्मान निर्वाचन 2021 में अपने विभाग से संबंधित सभी कर्मचारियों जो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी आरक्षित सहित के रूप में नियुक्त हैं कि 18 अप्रैल 2021 को संबंधित विकासखंड पर प्रातः 8 बजे तक उपस्थित सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि 16 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 7 बजे तक जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन एवं स्वयं व्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाने तथा प्रत्येक रविवार को जनपद के समस्त बाजार बंद किए जाने हेतु तथा प्रत्येक रविवार को गहन सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने हेतु आदेश दिया गया है। तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक रविवार को नगरीय क्षेत्रों में समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदें नगर पंचायतें अपने अपने क्षेत्रांतर्गत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी गहन सैनिटाइजेशन अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु फायर स्टेशनों पर उपलब्ध संसाधनों का भी उपयोग सैनिटाइजेशन कार्य हेतु किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की जानकारी दिया और उन्होंने कहा कि जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है वहां पर कोविड हेल्प डेस्क तथा एक एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर आशा बहुओं की तैनाती लिखित रूप से सुनिश्चित की जाए। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने उक्त निर्देश GIC आजमगढ़ में स्थित कोविड 19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सभागार में कोविड 19 की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना पोलिंग सेंटरों से 200 मीटर की दूरी पर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि सभी हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर थर्मल स्कैनर एवं पल्स ऑक्सीमीटर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पोलिंग सेंटरों पर 2 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क पर लगाई गई आशा बहुओं की सूची संबंधित SDM एवं खंड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। मुख्य विकास अधिकारी ने चुनाव में लगाए सभी अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि कोविड 19 संक्रमण के दौरान हो रहे चुनावों को सभी लोग पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ सतर्क एवं सजग होकर संपन्न कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि कोविड 19 वायरस महामारी पर प्रभाव नियंत्रण हित स्थानीय प्रवृत्ति बंद लगाए जाने संबंधी प्रावधान के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ में कोविड 19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत कतिपय प्रावधानों छूट के साथ रात्रिकालीन आवागमन एवं स्वयं व्यवहार दिनांक 17 अप्रैल 2021 तक प्रतिबंध किए गए थे। वर्तमान में जनपद में कोविड 19 संक्रमण के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि पर लक्षित होने के तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने आदेश दिया कि 16 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक दिनांक 17 अप्रैल 2021 की रात्रि 8 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 7 बजे तक 35 घंटे जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में कतिपय व्यवस्था के अनुसार आवागमन एवं स्वयं व्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने तथा प्रत्येक रविवार को जनपद आजमगढ़ के समस्त बाजार बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगा तथा इस अवधि में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण जनपद में गहन सैनिटाइजेशन अभियान संचालित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार संशोधन भी किया जा सकता है। उन्होंने भी कहा कि समस्त आवश्यक सेवाएं तथा या स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं यथा दवाएं, सब्जी फल दूध रसोई गैस सीएनजी पेट्रोल डीजल आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति जारी रहेगी तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वायरस स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। इस दौरान समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1,000 तथा दूसरी बार अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जनपद के समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।